हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं ले आई हूँ मसाला चाय की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले ली हूँ एक दिया, 4 चम्मच चीनी, 1 ग्लास दूध, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 6 इलायची, 6 लौंग को हम लिए हैं, 2 टुकड़ा अदरक का, 2 चम्मच चाय पत्ती का। अब हम दूसरी तरफ गैस पे रख दिए हैं पतीला। पतीला में हम डालेंगे पहले 1 ग्लास पानी। तो यहाँ मैं पानी को डाल दी हूँ और पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। पानी जब अच्छी तरह से उबल जाए तब ऐड कीजिए इसमें चाय पत्ती। तो मैं यहाँ 3 कप चाय के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ 1.5 चम्मच चाय पत्ती का यूज की हूँ। अब ऐड करेंगे इसमें 2.5 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। फिर हमने जो अदरक, दालचीनी, इलायची सब जो लिए थे उसमें हम कूट लेंगे। कूटने के बाद इन सभी को हम डाल देंगे चाय में और चाय को अच्छी तरह से उबाल लेंगे पहले। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास दूध। दूध डालने के बाद इसे हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए चाय उबल रही है, इसे एक बार हम चला दिए हैं। जब ये चाय एक उबाल आ जाए तब इसमें ऐड कर दीजिए दिया को। और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक हम उबाल लेंगे चाय को। यकीन मानिए दोस्तों, इस चाय को एक बार इस तरह से आप जरूर बना के देखिए, यह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये चाय की रेसिपी कैसी लगी। बीच बीच में चाय को आप इस तरह से चलाते रहिए। इस तरह से दिया डालने से इसमें बहुत अच्छा मिट्टी का खुशबू आती है, तो आप दिया जरूर डालें, इससे टेस्ट आपका और भी बढ़ जाएगा चाय का। तो ये देखिए चाय का कलर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, पीने में ही बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। तो चाय बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। गैस को कर दिए हैं हम बंद। तो अब हम चाय को छान लेंगे। इधर 2 मैं मिट्टी का कप ली हूँ जिसमें चाय को हम डाल देंगे और इसे सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये चाय की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।